अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द परफेक्ट प्लेट। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बकरा ईद स्पेशल अफगानी मटन चाप। तो चलो चलते हैं उसे बनाने के लिए। अफगानी मटन चाप बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए है 500 ग्राम मटन चाप। उसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ज़्यादा यहाँ पर नमक ऐड नहीं करना है। 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप भरकर पानी। पानी हमें ज्यादा ऐड नहीं करना है। 1 हाई फ्लेम पर हमें 1 विसल होने तक के पका लेना है। उसके बाद में 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसे पका लेते हैं। बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे हम। इसमें जाएगा 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। नमक डालना है हमें थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी हमने चाप गलाने में नमक डाला था। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है। 1/3 कप हमें ये कर्ड डालना है जिसका पानी हमने पूरा निकाल लिया था। अब इसे हमने अच्छे से मिला लेना है। इसे अच्छे से मिला लेने बाद जब ये पूरी तरीके से मिल जाएगा, उसमें हमें फ्रेश क्रीम ऐड करनी है। हमने यहाँ पर 2 चम्मच भरकर फ्रेश क्रीम ऐड की है। ये मेरी होममेड क्रीम है। इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है। ये हमारा ग्रीन मसाला रेडी हो चुका है कम्प्लीट। अब हम चलते हैं हमारी चाप की तरफ। देख सकते हो आप, इसमें पानी रह गया है। अभी इसे हमें पूरी तरीके से सुखा लेना है। हमें इसमें बिल्कुल पानी नहीं चाहिए। हमने 1/3 कप पानी डाला था, फिर भी इसमें बहुत सारा पानी छूट गया है। इसे हमको सुखा लेना है हाई फ्लेम पे। सात से आठ मिनट लगे हैं हमें इसका पानी सुखाने के लिए। आप देख सकते हैं इसका पानी पूरी तरीके से सूख गया है। हम इसे अब एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाए। हमने हमारे चाप यहाँ पर ठंडे कर लिए हैं। एक एक चाप को हमें इस तरीके से इसमें डिप करके लेना है अच्छे तरीके से हाथों की मदद से। हल्के हल्के हाथों से हमें इसे डिप कर लेना है। माशाल्लाह से हमारा मसाला नेचुरली ग्रीन कलर आया है। अगर आप चाहो तो एक ऑप्शनल है, फूड कलर ग्रीन ऐड कर सकते हो। मटन के चाप को हमने कोट करके रख दिया है हरे मसाले में। अब इसे हमने 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देना है। उसके बाद में हम बढ़ेंगे फ्राई करने के लिए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमने यहाँ पे एक फ्राई पैन को रख दिया हीट करने के लिए। इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से ऑयल ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड किया है। इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे हम, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। इसमें
दही है, इसीलिए फिर मैंने कहा कि मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे क्योंकि इसके छीटे उड़ते हैं। इस तरीके से हमने सारे चाप को इस तरीके से बिछा लेना है। यहाँ पर जो हमारा ये मसाला एक्स्ट्रा जो बचा है इसे हमें वेस्ट नहीं करना है, इसको हमने साइड में कर देना है। एक फ्राई पैन रखना है छोटा सा, उसको गर्म होने देना है। गर्म होते ही इसमें 2 टेबलस्पून बटर हमने लिए हैं, बटर को जलाना नहीं है, उसे सिर्फ मेल्ट करना है इस तरीके से। जब तक हमारा बटर यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, इस मसाले में हमें 1/4 कप दूध ऐड करना है। इसे अच्छे से मिला लेना है। जब तक इसे मिला रहे हैं यहाँ पर हमारा बटर भी मेल्ट हो चुका है। इसे इसमें हमें ऐड करना है। इस तरीके से हमें कंटिन्यूस इसे चलाते रहना है 2 मिनट के लिए। तब तक ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा और हम हमारे मटन चापों के साथ में इसे डिप करके खा सकते हैं। तो मम्मा इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारा ये मसाला जो है ये वेस्ट भी नहीं जाएगा और ये बहुत ही बेहतरीन लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देख सकते हो ये थिक होते जा रहा है, बस इसे चलाते रहना है। ये अफगानी मटन चापों का डिप तैयार हो गया। अब गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है। अब हम बढ़ते हैं हमारी मटन चापों की तरफ। वन साइड से ये हो गया ऑलमोस्ट, उसे पलट के लेना है इस तरीके से। आप देख सकते हो इसका कलर कितना डिफरेंट होते जा रहा है। हल्के हल्के हाथ से हमें इसे पलट लेना है। एक बार जब इसे टर्न कर लिया है उसके बाद 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इसे हमने और 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पका लेना है। हमारे अफगानी मटन चाप यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। हमें इसे स्मोकी फ्लेवर देना है। अगर आप चाहो तो इसे ग्रिल कर सकते हैं जाली रख के गैस के ऊपर। हम यहाँ पर कोयले की हेल्प से स्मोकी उसको अरोमा देने वाले हैं। 2 मिनट के लिए ऐसे ढाकेंगे। हमारे अफगानी मटन चाप रेडी है, अभी ऐसे हम सर्व कर लेते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की परफेक्ट प्लेट अफगानी मटन चाप? अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।